यहाँ बैठ के नाश्ता ठूसने में लगे, हमारा बेटा को बिगाड़ने के लिए उसको साथ दे रहे हो। और सोनू तुम आज स्कूल छोड़े हो ना, तुम आज पूरा दिन घर में बैठ के तुम पढ़ाई करो, खेल खिलौना नहीं मिलेगा और ना ही टीवी चलेगा, समझे? नहीं मामी, हमें स्कूल जाना, प्लीज हमें स्कूल जाना, नहीं हमें स्कूल जाना, स्कूल। अब क्या हुआ, अभी स्कूल जाना है? कौन छोड़ेगा तुमको स्कूल, ड्राइवर भी नहीं है। गुलकंद बहू, आखिर बात क्या है, जाना चाह रहा है स्कूल तो जाने दो। पायल बहू तो ऑफिस जाइए रही है, जाते जाते छोड़ देगी स्कूल, क्यों पायल बहू? आप जी जी बाबूजी, भाभी हम बस 15 मिनट में निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, आप सोनू को तब तक तैयार कर दीजिए, हम छोड़ देंगे उसे स्कूल। ए देवरानी जी, तुमको हम पहले भी मना किए हैं ना कि हमारा हमारा बच्चा के बीच में आना नहीं, तुम अपना काम से काम रखो, तुम समझी? भाभी बस, प्लीज आप पायल जी से इस तरह से बात कैसे कर सकती हैं? पायल जी कह रही हैं कि वो सोनू को स्कूल छोड़ देंगी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपकी अपनी जिद के चक्कर में सोनू का स्कूल छूट जाएगा, वो आपको चलेगा क्या? आपका अपना अहंकार इतना बड़ा कब से हो गया कि वो गुस्सा बनकर सोनू बंटी पर बरसता रहता है आजकल? पहले तो आप कभी सोनू बंटी पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं किया करती थी, तो फिर आज अचानक से आप ये सब क्यों बोल रही हैं? हाँ भाई, देव ठीक तो कह रहा है, अरे बच्चा सबसे बढ़कर हमारे लिए कौन है? ये सोनू स्कूल जाएगा, पायल बहू जाते में इसको छोड़ दे। हाँ गुलकंद बहू, मान जाओ ना, इतना छोटा सा तो बात है। अच्छा ठीक है, हम इसको तैयार करके लाते हैं। ठीक है भाभी, हम भी अपना बैग और फाइल ले आते हैं। अब देखना पायल बहू, आज तुम्हारे साथ वो होगा और जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, आज होगी हमारे अहंकार की जीत और तुम्हारी हार।